बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है वो है इजिप्शियन मैजिक क्रीम। सभी को पता है कि ये बहुत फेमस है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने इसके बारे में बहुत डिटेल वीडियोस भी बनाई हुई हैं। सब बहुत बहुत इसकी तारीफ करते हैं। तो आज देखते हैं क्या ये वाकई एक मैजिकल क्रीम है या नहीं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ जो ये क्रीम क्लेम करती है। सबसे पहले तो ये क्लेम करते हैं कि ये लिप, फेस एंड बॉडी, हेड टू टो आपकी पूरी बॉडी के जितने भी स्किन इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करती है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है और नरिश करती है। अगर आपकी स्किन पे एक्जिमा है और किसी भी किस्म का इशू है जो ड्राइनेस से रिलेटेड है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, अनड्राई के ड्राई पैचेज़ हैं, तो उन सबको ये ठीक करते हैं। तो मैं देखती हूँ, आपको साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि ये सही भी है बात या नहीं है, क्योंकि मैंने इसको खुद बाय किया और फिर इसके बारे में डिटेल रिव्यू दे रही हूँ, इसको यूज़ किया है। अच्छा, मैं पहले ये बता दूँ इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इतनी सी क्रीम जो आपको इतनी छोटी सी नज़र आ रही है, ये 1000 से 1200 की आपको मिल जाएगी, और अगर आप इसका बड़ा जार लेंगे तो 5000 से 6000 का ये जार है। तो इसलिए इसका रिव्यू करना मैं ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि आपको बाय भी करना चाहिए या नहीं। पहले आपने अगर बाय करना है तो इस तरह की छोटी क्रीम आप ले सकते हैं, वेगस पे ये आपको इजीली अवेलेबल है, और फिर अगर ये आपको सूट करती है तो आप बड़ी ले लें। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ क्या है ये भी ये बता दूंगी मैं आपको। अच्छा, ये कहते हैं कि ये एक्नी के लिए भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये एज अ हेयर मास्क भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये स्कार्स को फेड करती है, आपकी स्किन की जो डिहाइड्रेशन है उसको ख़त्म करके हाइड्रेट करती है, स्किन को सूथ करती है। अच्छा, इसमें ऑलिव ऑयल है, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है, ठीक है। ऑलिव ऑयल है, बीज वैक्स है, हनी है। यहाँ से मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बता दूँ कि कैसी है। बिल्कुल वैसलीन की तरह है, देख लें आप, थोड़े से वैसलीन में एक शाइन होती है, इसमें इतनी उस तरह की शाइन नहीं है। ड्राई है क्योंकि सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट है, ठीक है। आप इसको अगर अपनी स्किन पे लेते हैं तो ये आपकी स्किन पे फौरन से मेल्ट होना शुरू हो जाती है। इस तरह की शाइनी सी है, थोड़ा थिक सा इसका टेक्सचर है। अच्छा, अब मेरा आप इस एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा है वो बता दूं कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बिल्कुल ऐसा है जैसे कि पेट्रोलियम जेली का, एक नॉर्मल पेट्रोलियम जेली जो आप बाय करते हैं मार्केट से, बिल्कुल ये उसकी तरह ही आपकी स्किन पे काम करती। कोई किसी किस्म का बहुत ज़्यादा मैजिक नहीं करती, एक्नी के लिए भी बहुत ज़्यादा मैजिक नहीं करती, क्योंकि इसमें नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स है, हनी भी है, बाज़ दफ़ा ये एक्नी को बढ़ा भी देती। और ड्राई स्किन पर अगर आप इसको यूज़ करें तो समटाइम ड्राई स्किन पर भी इशूज़ क्रिएट हो जाते हैं इसकी वजह से। अगर आपकी अंडर आई या आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई है, उसके लिए आप ये छोटू सी एज अ लिप क्रीम या एज आई क्रीम आप यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप इसको मत यूज करें, और अगर आपने करना भी है तो पहले आप छोटी क्वांटिटी में ले लें, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पेट्रोलियम जेली हमारी स्किन पे काम करती है। पेट्रोलियम जेली जो है बहुत चीप है, पाकिस्तान में इजिली अवेलेबल है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। आपके जो तमाम जिन तमाम इशूज को ये कवर करती है, पेट्रोलियम जेली भी इसी तरह उन इशूज को कवर करती है। तो मेरी तरफ से तो ये इतनी हाईली रिकमेंडेड क्रीम नहीं है, क्योंकि इसका हाइप बहुत ज्यादा है और सब लोग कहते हैं कि एज अ मैजिक की तरह ये काम करती है, तो इस पर कोई ऐसा मैजिक नहीं है। अगर आपको यकीन ना है तो आप खुद इसको बाय करके ट्राई कर सकते हैं, और डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ मैं देती हूँ, ऑनेस्ट रिव्यूज़ देती हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।